हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मदिरास व्लॉग में। दोस्तों, आज का व्लॉग बेहद ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वो है दोस्तों गोवा। या दोस्तों, आपने सही सुना, मैं हूँ आज गोवा, मुंबई के पास जो गोवा है वो वाला गोवा नहीं, लेकिन एक गोवा हमारे झालावाड़ के पास भी है, उसका नाम है मिनी गोवा। दोस्तों, तो ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मिनी गोवा, भानपुरा तहसील के पास ये जगह है। और वाकई में दोस्तों, इस जगह ने गोवा को भी फेल कर दिया है। मैं तो कहूँगा कि गोवा जाना आप छोड़ दें और यहाँ पर आ जाए, रोज़ाना आ जाए। देखिए मेरे पीछे बिल्कुल वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इन्जॉय कर रहे हैं, किस तरह से लहरें आ रही है, हर पल लोग टायर के ऊपर बैठ कर के इन्जॉय कर रहे हैं। तो पूरा नज़ारा, पूरी मस्ती देखिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। ब्लॉग के अंत तक ज़रूर बने रहिए, आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे आना है, किस तरह से आना है, रास्ता क्या है, आपको पूरी प्रॉपर तरीके से मैं गाइड कर दूंगा। और कब आना है ये भी आपको बताऊंगा, ताकि आप भीड़ भाड़ से दूर भी रहो, एंजॉय करो और परेशान ना हो। वीडियो अंत तक देखें, ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं मिनी गोवा में, और यहां पर मिनी गोवा सेवा समिति के कुछ लोग भी हैं जो कि ये ट्यूब अवेलेबल करवाते हैं तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए, और इस तरह की कई सारी चट्टाने यहाँ पर हैं। तो ये कई तरह की चट्टाने यहाँ पर हैं, इस तरह की खूबसूरत एक से एक चट्टाने, लोग सेल्फी के लिए, फ़ोटो के लिए। देखिए शाहरुख खान पोज में वहाँ पर एक भैया फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और हॉर्स राइडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 100 से 150 रुपीज़ ये डिमांड करते हैं, हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हैं। और ये ट्यूब्स अवेलेबल है, इनकी सहायता से आप पानी पर फ्लोटिंग भी कर सकते हैं, लहरों का मज़ा ले सकते हैं। ज़बरदस्त मज़ा आपको आएगा दोस्तों, अगर आप आएंगे, देखिए किस तरह से हर तरह के लोग, चुन्नू मुन्नू, महिलाएं, बड़े बुज़ुर्ग इन्जॉय करते हुए ट्यूब पर बैठ करके। तो ये पूरा नज़ारा है गांधी सागर डैम के अपस्ट्रीम एरिए का, और जगह है कमला गांव, कमला पंचायत कमला गांव के पास ये जगह है। फ़िलहाल सनसेट होने वाला है और सन तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर सन होता तो ज़रूर ज़बरदस्त वीडियो ये बनता। तो दोस्तों, दूर दूर तक मुझे तो केवल लोग ही नज़र आ रहे हैं, घुड़सवारी के लिए घोड़े अवेलेबल हैं, और बच्चे बड़े कोई भी यहाँ पर आ सकता है, एंजॉय कर सकता है, घुड़सवारी कर सकता है। और ये देखिए लहरें, ये है लहरें, तो वाकई में इसको गोवा क्यों कहते हैं आपको पता चल जाएगा। तो गोवा इसको इसीलिए कहते हैं कि गोवा के समान यहाँ पर खतरनाक लहरें चलती रहती है। आगे गहरा पानी, ये देखिए मेरा पैर भी गीला हो चुका है, मैं फ़िलहाल बाहर ही खड़ा था, और ये लहरें आकर के कुछ इस तरह से पैरों को छू रही है, ये टाइट्स जिसको कहते हैं, ये वाह दोस्तों वाह।
और जैसे जैसे शाम होती गई है टाइड्स और तेज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, टाइड्स का टाइम भी बढ़ता जा रहा है, शाम होती जा रही है, सनसेट होने वाला है, लोग फिर भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट आप करोगे दोस्तों अगर आप मिनी गोवा आओगे, गोवा नहीं मिनी गोवा, गोवा से भी ज़्यादा मज़े आपको मिनी गोवा में आएंगे। और गोवा में जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो एक बार ज़रूर, मैं तो कहूँगा ज़रूर ज़रूर आप मिनी गोवा में आएँ। ये मिनी गोवा बिग गोवा से, बड़े गोवा से किसी भी रूप में छोटा नहीं है। सिर्फ इसका नाम ही है मिनी गोवा, लेकिन वाकई में ये गोवा जैसी ही फीलिंग देता है। फुल सुपर मज़ा एंजॉय आपको होगा अगर आप मिनी गोवा आएंगे। दोस्तों ये है मिनी गोवा, मिनी गोवा का व्लॉग आज आपके लिए मैंने तैयार किया है। तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया है। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों बेहद ही खूबसूरत जगह है, मैं तो कहूँगा कि आप भी ज़रूर आएँ बच्चों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय करें, संडे मंडे कभी भी आएँ। बेहद ही खूबसूरत जगह है ये मिनी गोवा। तो ये था आज का मिनी गोवा का ब्लॉग, बने रहिए मटेरास ब्लॉग पर, देखते रहिए एक से एक खूबसूरत सुंदर जगह का नज़ारा मेरे साथ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करते रहें। फ़िलहाल कई सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन फिर भी आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत मुझे बनी रहेगी। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली जगह, अगले स्थान पर, इसी आशा के साथ कि आप सब खुश रहे, सुरक्षित रहे। टेक केयर, अलविदा, बाय।